निया किसने बनाया? डैडी ने बनाया। मुझे तो लगा निया ने बनाया। नहीं, डैडी ने बनाया। अच्छा, हाउस का घर है। हाउस का घर? अच्छा, हॉर्स का घर है। हॉर्स को भूख लग जाएगा तो फिर हिला के इसको ले लेकर खा लेगा। ओके, ये है ना, सब सोने जा रहा है। सन सोने जा रहा है। हाँ। अच्छा, नींद लग गया। और ये क्यों दिया ये एरो? ये तो बर्ड है। अच्छा, बर्ड है। एरो लग रहा बर्ड ऐसे। गुड मॉर्निंग गाइस, जा रहे हैं नवनिया स्कूल और थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी। 9 o'clock हमें जाना है, तो ये तो अभी जा रहे हैं 7 बजे। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ नवनिया के स्कूल जाने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, तो मैंने नेट पर सर्च किया तो उस पर आ रहा था कि वाइट बीज वगैरह पहन सकते हैं, पेस्टल कलर पहन सकते हैं। तो फिर मेरे पास ये एक वाइट कलर की थी ड्रेस, तो मैंने ये डाल लिया। आप लोग के कमेंट कभी कभी आते हैं कि जब मैं बाहर जाऊँ तो ड्रेस दिखाऊँ अगर मैं तैयार होती हूँ तो। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने इसे दिखा दिया। जब मैं भूल जाती हूँ तो नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो ये सिंपल से ड्रेस पहन के जा रही हूँ अभी। सो गाइस, हम लोग रिसेप्शन एरिया पे आके बैठ गए हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सोचा अंदर ही बैठ के वेट करते हैं, टाइम है अभी टैक्सी आने में। इतनी ज्यादा धूप लग रही है कि क्या Mohammed Zai and attentive
सो अभी नवनिया यहाँ पे फोटो शूट करवाएंगे। 25 dirhams पर किट है तो हम दोनों का करवाने वाले हैं अभी। बट बच्चे हैं कहाँ, बच्चे अभी तक हमें मिले ही नहीं है। यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है 360 पे वीडियो फोटोज लेने के लिए। मेरे लिए थैंक यू। सच में गाइस बच्चे कितने बड़े हो गए ना देखते देखते। गर्मी से हालत ख़राब है दोनों की, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं इन लोगों को टैक्सी में ले जा रही हूँ, अनिमेश स्ट्रॉलर लेके आएंगे पीछे से, चलो। बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, बाप रे कैसे नवनिया दोनों स्ट्रॉलर में जाते थे घर, मुझे अभी लग रहा है इतनी ज़्यादा धूप। अभी भी इनका स्ट्रॉलर वहाँ है जो अनिमेश लेके आएंगे। बहुत धूप है इसीलिए अनिमेश को इतनी टैनिंग हो गई है इस वाले धूप में। इसके साथ इस वाले धूप में टैनिंग हुई है। शाम में जब वो जाते हैं तो धूप कम होती है, सुबह में आते हैं तो भी इतनी नहीं रहती है चुभने वाली। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम धूप फेस पे सर पे लगता है। चलो हाँ प्रेम डैडी लेके आ रहे हैं। ये सब मिले हैं इनको, अयान का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अनाया का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये फ्रूट्स और भी कुछ है आपको दिखाती हूँ। ये सॉफ्ट टॉयज मिले हैं, स्कूल का नाम भी है इस पे, ये देखिए वेरी नाइस। और इनके ये ग्रेजुएशन वाले कपड़े बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। और इसको देखिए पानी पियो। अभिनंदन आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो आज जो है नवनिया का यानी कि अयान और अनाया का ग्रेजुएशन डे था स्कूल में और हमने बहुत एंजॉय किया। हो सकता है कि जो ग्रेजुएशन सेरेमनी के क्लिप्स है वो आपके लिए बोरिंग होंगे, बट हमारे लिए बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल मोमेंट को हम अपने चैनल पर रखना चाहते थे ताकि नवनिया भी बाद में देख सके। इसीलिए मैं हर स्पेशल मोमेंट को रिकॉर्ड करती हूँ और अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। मोबाइल का तो पता नहीं है ना, आज है कल नहीं है, हम लोग चेंज करते रहते हैं मोबाइल, कहाँ डेटा कौन इतना सेव करके रखता है हार्ड ड्राइव में, इसमें उसमें इतना हो नहीं पाता है। एक जगह पे वीडियो बनी रहेगी, कभी भी वो देख सकते हैं। उनके लाइफ का ये एक बड़ा अचीवमेंट है। जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी क्लास 1 में जाएंगे, मतलब देखते देखते कितने बड़े हो गए। अभी थोड़े छोटे से थे, गोद में थे। बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है लर्निंग का स्टैंडर्ड जो है और लर्निंग के जो स्टेजेस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। इसमें बच्चों को पैम्पर किया जाता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा अचीव किया है। तो आज हमने देखा कि किस तरह स्कूल ने हर बच्चों को अप्रिशिएट किया, हर बच्चों की हर चीज़ों को अप्रिशिएट किया और उन्हें ये बताया कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप और अभी और अच्छा करना है आगे। तो ये चीज़ें जो है समझ में आती है
मतलब हम लोग इंडियन हैं और हमने तो ब्रिटिश में पढ़ा नहीं है, तो हमें इतना जो ग्रेजुएशन के स्टेजेस हैं ये मालूम नहीं थे। थैंक्स टू वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ये अपडेट किया कि FS2 ईयर 6, उसके बाद ईयर 11 और ईयर 13, ये चार यू नो स्टेजेस पे ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन होता है, तो ये हमें मालूम नहीं था। लेकिन ये जो भी है, जैसा भी है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कह सकते हैं कि बच्चों को प्रेरित करता है आगे की चीज़ें सीखने के लिए, और जो भी उन्होंने किया है अब तक ये चीज़ें अप्रिशिएट कर रहा है। ये जो भी स्टेजेस होते हैं बेसिकली ये डिग्री के ही स्टेजेस हैं, बट काफ़ी यू नो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा जिस तरह से स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, काफ़ी अच्छा था। और जो स्टेजेस होते हैं, अभी ये स्कूल की बात करते हैं, अगर हम जैसे बच्चे ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ रहे हैं, तो हमने ये नोटिस किया कि 10-12 कंट्री के तो बच्चे हैं, और 10-12 कंट्रीज के बच्चे एक ही सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, एक ही सॉन्ग पे थिरक रहे हैं। सोचिए आप, यू नो उन सभी का सिंक्रोनाइजेशन कैसा है, मतलब एक वर्ल्ड, एक कल्चर कह सकते हैं ना, वो दिख रहा है लोगों में कि सब घुल मिल गए हैं, सब एक दूसरे के फ्रेंड हो गए हैं। बीइंग पेरेंट्स, हम भी जानते हैं कि हम मैच्योर हैं और हर कंट्रीज से में क्या अच्छी होती है, क्या बुरी होती है, तो हम भी जो है जो अच्छी चीजें होती है वो सीखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश जो है वही अच्छा कर रहा है और वही सब चीजों में अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है। जहां अच्छी चीजें होती हैं वहां कहीं बुरी चीजें भी होती है। बीइंग पेरेंट्स, वी नो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड वी आर रियली ग्लैड कि हम दुबई में हैं और हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमें सीखने को मिल रहा है कि बाकी जगह कौन से कल्चर यू नो फॉलो हो रहे हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो इंटरेक्शन कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज के बच्चों से, उनके फ्रेंड हैं, क्या सीख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम भी ये ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ें सही में सीखने वाली हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो इग्नोर करने वाली हैं। उसी तरह से हमें ये देखते रहना चाहिए, और सही मायने बोलिए तो तभी सारे बच्चे जो है ना एक ही लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज बोलूँ तो प्रोग्रेस की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट। सो वी आर रियली ग्लैड दैट वी आर इन दुबई और बच्चे जो है वो ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो यू नो 10 कंट्रीज के बच्चों से, 10 या उससे भी ज़्यादा बच्चों से मिंगल हो रहे हैं, चीज़ें यू नो सीख रहे हैं। एंड ओनली थिंग इज दैट बच्चे हैं तो हमें मॉनिटर करना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं कि आगे जो चीज़ें वो सीखेंगे और आएगा वो टोटली डायनामिक होगा, बिकॉज हर कंट्री में अच्छी चीज़ें होती है और हमें बीइंग पेरेंट्स वी हैव टू ऑलवेज ट्राई दैट वो अच्छी चीज़ों को वो सीख सके। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना कि मैं 30 कंट्री घूमा हूँ और 30 कंट्री में 10 कंट्री के सीनियर लोगों के साथ काम किया हूँ, और मैं इस स्टेज पे पहुँच चुका था कि मुझे मालूम है कि किन से क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़ नहीं सीखनी है। मतलब एक अनुमान तो हम लगा सकते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, अगर हम वो सब सीख लेते हैं तो डेफिनेटली प्रगति का पाथ जो है वो अपने आप बन जाता है, और मेरे केस में ऐसे ही हुआ, अपने आप बनता गया। नवनिया के स्कूल में जो FS हेड हैं, FS हेड काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं बता नहीं सकता, उनकी स्पीच मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि एक भी टीचर, एक भी स्टाफ, एक मतलब प्रिंसिपल से लेके CEO से लेके किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा जब एप्रिसिएशन की बात हो रही थी, तो हर बंदे का एप्रिसिएशन किया उन्होंने इन अ नाइस वे, और सारे स्टाफ इवन पेरेंट्स बच्चों के भी किसी को नहीं छोड़ा। द वे शी स्पोक इज वेरी नाइसली, एंड मैं इतना बोल सकता हूं कि शी इज अ ट्रू लीडर। लीडर ऐसे ही होते हैं। मैं बीइंग पेरेंट्स अभी ये समझ चुका हूं बहुत अच्छे से कि मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरा बच्चा सब बच्चों में अच्छा कर रहा है, मैं बोल देता हूं आपको सब बच्चों में अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये अहंकार होता है। सही बात बता रहा हूं आपको, मुझे ये लगता है, लेकिन मैं बीइंग पेरेंट्स ये बात जरूर बोलूंगा कि मेरा बच्चा सभी बच्चों के साथ अच्छा कर रहा है, ये समझने की देर। यू नो हम किसी को पीछे नहीं कर सकते, हम सबके साथ अच्छा करेंगे ना तो ही हम अच्छा करेंगे और सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैंने भी सीखा है और हम यही चीजें जो है बच्चों में भी ट्रांसफर करना चाहते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इमोशनल डे था कहने का मतलब है, जो हम लोग काफी एंजॉय करते हुए आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहां पे मैं बहुत इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब इतने लोग के इमोशनल नहीं होना था बट फिर भी हो गई। कहते हैं ना कि माँ का इमोशनल जो है वो चीजें इमोशनल होना तुरंत दिख जाता है, लेकिन बाप का नहीं दिखता है। चलिए गाइस, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और जो भी हमारे लिए आज स्पेशल डे था, बच्चों के लिए स्पेशल डे था, और ये मेमोरी हमारे चैनल पे रहेगी, जब तक है तब तक बस रहेगी।
तो नवनिया भी बाद में देख सकते हैं, अगर चैनल हमेशा रहा तो उनके बच्चे भी देख सकते हैं ना। सही बात है, यूट्यूब हमेशा रहा, चैनल हमेशा रहा, तो उनके बच्चे भी देखेंगे और आप लोग के भी बच्चे देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या किया था और तब कैसी चीजें होती थी। खैर अब तो दुनिया काफी एडवांस हो गई है और आगे और भी होगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे काफी नई चीजें आएंगी, काफी पुरानी चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, कहने का मतलब है, और प्रोग्रेस तो होते ही रहेगा। चलिए गाइस आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।